एम इक्वल्स टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट टेन टू डी टेन टू वन अपॉन यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एम डी। अब इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी स्टेप को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट D को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो D बाई डी वन हो जाएगा ये वन प्लस D बाई एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है कि इस फर्स्ट में इसको इक्वेशन दे दो फिफ्थ। अब हम बात करेंगे कि सेकंड की व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी तो बस D की जगह अपने को इंफिनिटी करना है बाकी ये सेम रहेगा। देखो कैसे करते हैं केस सेकंड है इसको नोट कर लेना एक बार स्क्रीन को पॉज करके। केस सेकंड है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी तो डी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो वन बाई इंफिनिटी ये जीरो हो जाएगा इस वाली टर्म को हम जीरो कर देंगे तो 1 बाई यू की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 बाई एफ ई। इसको इक्वेशन दे दो 6। देखो सेकंड केस में जो 1 बाई यू ई है इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन एफ ई। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे 1 अपॉन यू की वैल्यू तो नया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा सेकंड केस के लिए m इक्वल्स टू माइनस v नोट अपॉन u नोट n टू d n टू 1 बाई ue। 1 बाई ue की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई f e। तो ये आ जाता है अपना मैग्निफिकेशन सेकंड केस में। तो तीनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का। ये केस फर्स्ट में मैग्निफिकेशन आता है और ये केस सेकंड में मैग्निफिकेशन आता है। तो तीनों फॉर्मूले अपने को लर्न होने चाहिए। इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देखना इक्वेशन 6 से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यू की जो वैल्यू है ये एफ के इक्वल है। यू की वैल्यू जो है वो है एफ के इक्वल। अब अगर हम बात करें तो जो अपन ने डायग्राम बनाया था उसमें ट्यूब के दोनों साइडों में लेंस लगे होते थे तो लेंथ ऑफ ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्यूब। तो डायग्राम में जब आप लोग देखोगे तो ये डिस्टेंस थी वी नोट और ये डिस्टेंस थी अपनी यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हम लिख सकते हैं यहां से देखो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा इधर लिख देता हूं उसको लेंथ ऑफ ट्यूब That will be V naught plus UE. UE का मोड लेते हैं नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में देखो UE की जो वैल्यू है वो इक्वल है FE के तो हो जाएगा FE लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है L equals to V naught plus FE। क्लियर है थैंक यू। बाकी डिस्कशन एक मिनट इसी में जो कॉन्क्लूजन है उसको भी हम पढ़ लेते हैं क्या निकल कर आता है। देखो कॉन्क्लूजन क्या है तीनों जो केस हमने पढ़े हैं उनसे अपने को क्या कॉन्क्लूजन निकलता है उसको समझते हैं। देखो फर्स्ट कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्निफिकेशन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो नेगेटिव आता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मीनिंग ये है कि जो इमेज है वो इनवर्टेड बनेगी उल्टा इमेज बनेगी और हमने देखा है डायग्राम में भी उल्टा इमेज बनता था इनवर्टेड इमेज। सेकंड कंक्लूजन ये है देखो मैग्निफिकेशन जो है ये जनरल फॉर्मूला था ये केस फर्स्ट का था और ये केस सेकंड का था। तो अगर हम बात करें तो देखो मैग्निफिकेशन जो मैक्सिमम है वो केस जो इक्वेशन फिफ्थ है इसमें अपने को दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है ये केवल डी अपॉन एफ ई है। तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम तब होता है जब फाइनल इमेज
डी डिस्टेंस पर बनती है। क्लियर है? थैंक यू, बाकी डिसीजन कल करेंगे।